दुख दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर ताने दे रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ना है, बिगड़ना उसका है जो कह रहा। नंदी शिव के पास गए और ये कोई साधारण से नंदी नहीं है, शिलाद मुनि के शिलाद ब्राह्मण के तप साधना से जो शंकर प्रगट हुए थे, शंकर के प्रगट होने पर भगवान शंकर ने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी होकर भी तुम्हारे घर में पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई साधारण सा नहीं हुआ, स्वयं शंकर ही नंदी के रूप में प्रकट हुआ, स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और शंकर जब नंदी के रूप में प्रकट हुए तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी कि नंदी की तो अल्पायु थी, नंदी कल कथा में था कि अल्पायु है, और अल्पायु है तो शंकर तो अजर और अमर है, फिर ये नंदी को अल्पायु कैसे कर दिया। तो भगवान शिव कहते हैं कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा क्रम छोड़ देता है जिसके कारण भगवान का भगत मार्ग से डोल जाए। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा, पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी, कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई होगी। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती हो कि नहीं खाती हो, कभी कभी तो दिन भर भूखी रह जाए तो भी क्रोध नहीं। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा, इसके व्रतों को खंडित कर दिया। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, दो तीन व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा करा धरा पानी भूल जाता है, देवता क्रोध भी। फिर क्या करना, तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करो। उस जल का पान अवश्य, तो जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने, शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्त्रोत पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर। क्या होगा उससे,
आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, रामरक्षा स्त्रोत, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठा कर देखिए, पहले के साधुओं को उठा कर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठा कर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था। उनके कमंडल में जल होता था, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी तीर्थ में जाए, उस मंदिर का जल तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया जाए। भाई, भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियां, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियां, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियां, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहां भजन करने वाला, वहां साधना करने वाला, वहां स्मरण करने वाला, वहां कीर्तन करने वाला, वहां मंत्र जाप करने वाला, वहां नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है, मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र तर्पण से, मात्र आचमन से। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें, जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख ले, थोड़ा सा पानी उसमें बचा ले, दो चार बूंद, आठ बूंद, पंद्रह बूंद, बीस बूंद, एक चुलू, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है, ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जिस जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताए वाला पाठ करो, तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो,
और उस जल का आचमन, उस जल का सिंचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान